डॉजर तो यही है सारे डॉग वाले। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गाइस, लवीव खत्म हो गया अपना। हाँ, रकीब का हॉस्टल खत्म हो गया, लवीव जा रहे हैं, लुत्फ लेते जा रहे हैं सब लोग। रुक जा, पहले अभी नहीं, अभी बंद करो, अभी तो बंद करो, मुंह वहाँ सही कर लें। तो गाइस अब हम लवीव के लिए निकल रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। हम एक्सपेक्ट तो किए थे कि स्नोफॉल वगैरह होगा, देखेंगे, बट पता नहीं क्या हो गया बहन चो दी, पूरा मौसम सुहाना हो गया भाई, हरियाली की हरियाली रह गई। जाटों में जाटों थी, जाटों की बाल की तरह तो बहन चो पहाड़ियों के पेड़ हो गए, बर्फ थी बोगोविल में, लेकिन जितना हमने सोचा था जितना मुझे उससे ज्यादा निकली है, लेकिन बर्फ थोड़ी सी कम थी, लेकिन मजे हमने पूरे किए। अब हम लोग अब मुझे दिखाओ, बोधा क्लब में सबने बहुत मजे किए, अमित भाई ने भी बहुत मजे किए, जो कि बहुत ही चाहते थे कि न जाए, लेकिन फिर जब पानी में जाते ही मतलब पागल हो गए, मजे आ गए हमें। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम एयरएमशिया में है, सो यहाँ पे एयरएमशिया में हम कुछ खाएंगे अभी। बहुत ही खूबसूरत है गाइस, देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग एयरएमशिया में रुके हुए हैं, नदी में, यहाँ पे हम लोग अभी कुछ खाएंगे। नज़ारा तो मैंने आपको दिखाई दिया कितनी खूबसूरत है। हम लोग रुकने का एक रीज़न है गाइस कि हम लोग का आज मॉड्यूल है, क्लास भी कर लेंगे फिर खा लेंगे, क्लास भी कर लेंगे कुछ खा भी लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग लवीव के लिए। अभी हमारे दोस्त लोग कुछ गए हुए हैं, अभी मैगी थोड़ा बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, एक बज गया है, लेकिन खुलेगी नहीं नहीं हुआ हुआ है। सो हाँ एयर अलर्ट हुआ है गाइस, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ खा पी के निकलेंगे गाइस। सो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है हमारे दोस्त को, गिफ्ट मिला है यहाँ पे हमें, वो भी मैकडी के आगे, साहब मैकडी के आगे, इसी से जाएंगे हम, इसी से अब हम लवीव जाएंगे, मैं और मुश्ताक भाई अलग गाड़ी में जाएंगे, हम फरारी फरारी से लग रही नहीं। गाइस देख सकते हैं हमारे अभी हम लोग यहाँ हाईवे पे रुके हुए हैं, हमारे लोंडे और ये अब्दुल हमीद डॉज के सामने फोटो खिंचवाते हुए। कमिल भाई खूबसूरत मियां खलीफा मेरी सन्नी लियोन, झारखंड में दाल भात चोखा मिलेगा, लड़की से प्यार करो धोखा मिलेगा, यहाँ ठंडा का मौसम में भाभी मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग लवीव पहुंच चुके हैं और ये हमारे जुनू भाई, ये देख सकते हैं हमारे हमारा रूम होटल या अब्दुल यहाँ और यहाँ पे इन लोग की दोनों की शादी चल रही है। हाँ, जो इसको की समझ में आया तो है नहीं रहा, लेकिन ये यूक्रेन शादी देख रहा है। सो गाइस देख सकते हैं रूम भी काफी सही है और काफी बजट में है, 300 ग्रेवना, मतलब 300 यहाँ का, 300 रुपए के हिसाब, 300 ग्रेवना के हिसाब से यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी लवीव में आ चुके हैं और ये हमारा अब्दुल आ गया। अब्दुल भाई कैसे लगा लवीव में आके? और सुन भाई, फुल मजा। और इमरान भाई बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया लवीव में आके, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, हम लोग जाना है खाने गाइस और आपको दिखाते हैं, आइए चलो भाई। नहीं मेरे भाई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना, आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था तो बच्चा कुछ आया, बाकी सब तो सही है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, है ना, बारिश हो रही है, अभी स्नोफॉल होनी चाहिए लेकिन बारिश हो रही है, क्यों हो रही है। So guys, देख सकते हैं रात में ये लवीव का नजारा, जुनू भाई कैसा लग रहा है रात में लवीव? और सनी तुम बताओ, बिल्कुल यूरोप जैसा यार, किसी को लग रहा हो ना यूरोप का फील लेना है सस्ते में तो लवीव आ जाओ, लवीव एकदम यूरोप का कॉपी है, मैं मुझे दिखाओ एक सेकंड, एक मेरे एक दिखा दूं मैं गाइस, मैं पूरा यूरोप घुमा हूं तो मुझे पता है सिटी कैसी है यूरोपियन, तो एकदम सिमिलर है, भाई दोनों घूमे, दोनों घूमे हम, अरे जुनू भाई तो 9-10 कंट्री घुमाए थे ना भाई, ये भी घुमाया, ये भी 7-6 तुम भी घुमाए, दूसरी बार मनाओ अब तो बकचोदी कर दिए, दोनों भाई घूमे, आप दोनों भाई घूमे भाई। सो गाइस यहां पे हम लोग आ चुके हैं, सो आज ट्राई करेंगे गाइस और आपको उसका रिव्यू देंगे, जेन्युइन रिव्यू आएगा मुश्ताक भाई के चैनल पे। सनी क्या हो गया सनी, हमारा सनी लोग ऐसे थोड़ा सा गाइस
तो हम भटकते भटकते शवरमा खाने निकले थे और गलती से आ गए बेंचो पता नहीं कौन से हाथी पाथी इंडियन रेस्टोरेंट में। और जो गांड फटी है, जो गांड फटी है, 2000 में 700 ग्राम खाना मिलेगा गाइस, 700 ग्राम में पेट भरेगा। तो आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग का अगर लो बजट है तो आप यहाँ ना आए। इस रेस्टोरेंट का नाम है क्या ने? हाथी, द टेस्ट ऑफ इंडियन कुजीन, हाथी टेस्ट ऑफ इंडियन कुजीन। तो गाइस अगर आप लोग इसमें आना चाहते हैं तो प्लीज, आपके पास अगर अच्छा खासा बजट हो तो आप आए, वरना यहाँ से गाड़ी लाए और चले जाए उल्टा रास्ता। और गाइस सेंटर पे यहाँ पे एक शवरमा की शॉप है, नाम बताना भाई, कबाब चिकन कबाब शवरमा शॉप है, एक नंबर शवरमा 80 ग्रेवन में। अरे मजा आ गया, 125 ग्रेवन, 125 भाई, 125 ग्रेवन, 80 ग्रेवन वाला गया जमाना है। यहाँ का इनको 2000 दे रहे हैं केवल 700 ग्राम खाना खाने के लिए। एक किलो शवरमा मिलता है भाई, बताओ उससे ज्यादा 125 में 1.5 किलो शवरमा मिलता है। So guys, मिल गया आपने रिव्यू। नहीं गाइस, ये जितने गाइस बैठे हैं, ये बंदे बैठे हैं, ये लेकर आए हैं। हम तो जा रहे थे शवरमा खाने, ये लेकर आए हमें, हम तो भाई शवरमा खाने जा रहे थे, इनके पास जा रहे थे। तो नहीं ये बताओ, जो टोटल हुआ है 1960, 40 ग्रेवना बच रहा है 2000 में, तो क्या 40 ग्रेवना आप टिप देना चाहेंगे इन लोगों को? भाईजान हमसे पूछेंगे 1 रुपया इन्हें ट्रिप ला दो, क्यों दे भाई, हम क्यों ट्रिप दें? अरे लेकिन नहीं, एक्सपेक्ट तो करते हैं ना कि टिप के लिए। भाई आप इतना अच्छा दिख रहे हो, एक को कितने का है? 4 मंगा रही हो, 4 को बुला है तो फिर 500 ग्रेवन हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया, 40 ग्रेवन बच रहा है। हमारा स्प्राइट देखो, जुनू कितने स्टाइल में, इससे क्या फायदा होता है जुनू भाई? Enjoy the process. Enjoy the process. अगर आपको गैस उड़ाने नहीं है तो उसके लिए एक तरीका होता है, खोल लिया उसके बाद में ये ग्लास को, ये ग्लास भी है, ये ग्लास को थोड़ा टिल्ट करके और इसको गैस, उससे एडवांटेज होता है ना, मतलब फुल टेस्ट आएगा। गाइस देखिए, अगर आपको फुल टेस्ट लेना है स्प्राइट का तो ये आज सीख लीजिए हमारे प्रोफेशनल प्रो शेफ मुश्ताक से। पता नहीं क्यों आज मुझे तुमको रिकॉर्ड करने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है। इनसे पूछिए, ये बहुत गाइस, ये हमारे दोस्त हैं सुनील साहब, ये बहुत खूब है, इनसे पूछिए क्या इनको गैस निकाले बिना क्लास को पलटना था। कट करो और बोलो इसको सही में, बोले आप उधर जाइए, पहले आपको बुलाया जा रहा है। क्या बोल रहे हो? मैं विनिशिया सिटी में रहता हूँ, मुझे पहले लगता था पाजी ही चूतिया बनाते नमस्ते इंडिया में, बट आज लवीब के इस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा के समझा कि पाजी भगवान समान है। ले लो, ले लिया भाई पाजी, पाजी यहाँ भगवान समान बोल दिया। और किस रेस्टोरेंट में गाइस, 2000 बताया ना अभी एक थाली का, उसमें एक पूरी केवल मिल रही है। एक पूरी में क्या होगा बताओ, ये तो हम एक पूरी तो वैसे पूरी में तो बनते बनते गीले मुंह भी गीले, क्या होगा पूरी में इसको मुंह भी गीले नहीं होगा, कंट के अंदर भी न जाए गाइस। तो गाइस इधर बताना कभी भी, बता ये बस देखने में अच्छा है बट खाने में बैंक पैसा हो तभी आओ, है ना? अभी बाहर जाकर बोलेगा कि मेरा पेट नहीं भरा, तुम अपने स्टाइल में जो पी रहे पियो। हाँ बोलो कि हाँ, अरे गाइस मेरा तो इधर ला दे, हाँ ले गाइस, मेरा तो मन कर रहा है मैं बस एक गुलाब जामुन ऑर्डर करूँ और निकलूँ और बाहर जाके शवरमा खाऊँ अच्छे से पेट भरे। आप लोग क्या कहते हो गाइस, यही करो भाई, तुम जाओ, हम तो अब नहीं जाएंगे, अब ऑर्डर कर चुके हैं भाई, अब इज्जत की सवाल है भाई, खाना पड़ेगा आप तो। इज्जत में भाई जान, इज्जत में गाड़ बिक जाती है आपको। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, पैसा देंगे बस और कुछ नहीं। एक बड़ों का उसूल है, बिना देखे किसी चीज को जज ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खाते हैं पहले, बिल्कुल उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। अरे मैं देख लिया, अरे 700 ग्राम आ रहा है, 700 ग्राम आ रहा है, ठीक है भाई जान, एक पूरी दी है सबके, कोई बात नहीं, बड़ा पूरी होगा क्या पता, तू खाया है कभी? नहीं। अरे ये देख तो देख, मतलब पहली बार खा रहा है, पता नहीं है क्या लगा रहा है, पूरा गिफ्ट किया जा रहा है पहले भाई, देख तू खाया नहीं कभी, फर्स्ट टाइम जा रहा है, देख ले पहले। मैं आपको बता दूं, लिटरली इसका मेन्यू देख के जितने बैठे हैं सारे डिप्रेशन में, दंगा बजट चल गया है, पॉइंट करेक्ट करना है।
डिप्रेशन है, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन, सारे डिस्प्रेशन में है गाइस। सबका बजट हिल चुका है, सब आउट ऑफ बजट है, लेकिन खाएंगे यहीं बैठ, खाएंगे यहीं बैठ। एक डायलॉग है गाइस, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना फटे। गाइस न्यू ईयर पे इन्हें हम गिफ्ट देते हैं, न्यू ईयर है आज, गिफ्ट कर देते हैं इन्हें खा के। कितना टिप दीजिएगा? उनका रेस्टोरेंट चलता नहीं गाइस, जब हम आए तो पूरा एम्प्टी था, कोई नहीं था, न बंदे थी न बंदे जा थी। कितना टिप दिया? नवला टिप दूंगा, कुछ टिप नहीं दूंगा, टिप नहीं देंगे एक भी रुपए। अभी तो बोले कि तुम टिप दोगे। ये 15-11 की को गाइस यहाँ 75 की मिली है, 60 11 की मिली है, 15 की मिलती है तो मैं बाहर। अरे टैक्स भी लगाओ, 100% टैक्स लगा रहे हो क्या? दुबई से गाड़ी इम्पोर्ट थोड़े कर रहे हैं भाई। 100% टैक्स लगा तभी इतना लगता, नहीं लगता नहीं। 100% अगर टैक्स लगे तभी इसका 30 ग्रेवन हुआ, क्यों? इस पे 200-300% टैक्स लगा इस पे, बताओ कितना कितना गलत हो गया ये। तो गाइस ये बंदे आ रहे हैं अभी, ये गुलाब जामुन ऑर्डर किए और बाहर जाके शॉर्मा खाएंगे, जिससे बैठे हम ही केवल खारा खा रहे बतौक की तरह। और वो जहाँ बतौक की तरह बैठा है वो गाइस, वो नहीं नहीं, वो केवल चाय पी के निकल जाएगा, वो चाय पी के बाहर शॉर्मा खाएगा, ऐसा बोला है। ये बैठे हैं, यही हमें लेकर आए हैं यहाँ पे, और ये भी शॉक्ड है, ये भी डिप्रेशन में है कि इतने महंगे कैसे हो। और ये कह रहे और बड़ी चौदह कैसे हो गाइस, एडवेंचर हो रहा है। पैसा तो बहुत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है भाई। माना क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? खाड़ो अगर बड़ी आ गए तो बल्ले बल्ले दसी बात चली। बात तो सही है, ये ऐसे चलने दो। हाँ बंदे के पास डॉलर पड़े गाइस, गड्डी पड़ी डॉलर की, अगर जय श्री राम, मेरे पास मुआवजा आता है, अगर कोई दिक्कत होता नहीं तो बीच में मत बोलो। खाना पीना खाएंगे अभी सब लोग। ए गाइस गाइस भोसड़े में घुस गया गाइस, क्या है गाइस? गाइस गाइस कर रहा है, इतनी देर हो गई, आगे तो बोल कुछ। चलो भाई एंजॉय करो, ये लो। कैसा लग रहा है भाई सनी थाली देख के? अब अब कैसा लग रहा है तुमको देख के? अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? टेस्ट करें कैसे यार इनका है, कैसा टेस्ट? अच्छा ये लो ये खाओ ना, खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी है। मतलब भाई देखिए कोई बंदा है जो बैठ कर रहा था, पता है खाना सही है ना, तो अप्रिशिएट तो करना पड़ता है, पहले बुलाया कर रहा था। अरे तुम खाओ ठीक है। गाइस मेरा दिल टूट गया, अच्छा है देख लेते करके। रूम तो सही है, वो ले लो अपने अटैची वटैची। हमारा रूम कैसा लग रहा है तुमको सनी? रूम तो अच्छा है, बट थोड़ा वॉशरूम जो तुम्हारा है। और बाथरूम देख कैसा है? बाथरूम देखा हूँ तुम, हक क्यों गंदा फैला है? नहीं नहीं वो उससे वाला मोस्टली है ये वाले छोटी छोटी है ना, इट्स लाइक अ खिलौना, खिलौना ना, अरे भाई जान लगेगा। सो गाइज ये था हमारा थर्ड डे का ब्लॉग, और ये हमारा थर्ड डे का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग थोड़ा सा लवीव जो है एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद में वापस बैक टू विनीत्सिया। सो गाइज सी यू एट नेक्स्ट ब्लॉग, प्लीज़ वॉच द वीडियो गाइज़।